गाइस, क्रिक टॉक इज बैक। थोड़ी हिम्मत की है कल के मैच के बाद, थोड़ा सोए, थोड़ा एनर्जी रिकूप की, मैच को सिस्टम से निकालने की कोशिश की। शरीर भी खुश लग रहा है। और आज थोड़ी हमारे सी गालियां पड़ी मैंने कमेंट्स में, फिर मैंने कहा चलो यार लोग जो थोड़ी हैं सी वो गालियां दिखाते सुनी, हैं। थोड़ी सी गालियां दी, और उसके बाद थोड़ा बेहतर फील किया। लेकिन आज हम अपने क्रिक टॉक के लिसनर्स के लिए, ऑडियंस के लिए, एक स्पेशल गेस्ट को लेके आए हैं। वी हैव मिस्टर तनवीर मेहदी। जाहिर है जिन लोगों ने क्रिकेट को गौर से देखा है वो उनको अच्छी तरीके से जानते होंगे, बट फॉर दोज हु डोंट और जिन्हें अर्ली 90s की क्रिकेट नहीं देखी, तो मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं। तनवीर मेहदी मेड इज डेब्यू इन 1992। पाकिस्तान इंग्लैंड की एक सीरीज थी, वर्ल्ड कप के बाद 5 मैच सीरीज थी वो, उसमें ही मेड इज डेब्यू। ही टुक अ विकेट ऑन इज डेब्यू, ही टुक द विकेट ऑफ नील फेयर ब्रदर, जो कि सबको लैंकेशायर की वजह से और दूसरा 92 के वर्ल्ड कप की वजह से याद होगी, इंग्लिश बैट्समैन। और उस बॉलिंग लाइनअप में बॉलिंग करवाई थी जिसमें पाकिस्तान उस मैच में ना वसीम अकरम वाज प्लेइंग, ना वकार यूनुस वाज प्लेइंग, इट वाज नवीद अंजुम, तनवीर मेहदी, आकिब जावेद, मुश्ताक अहमद, एंड देन वी हैड आमिर सुहेल एंड आसिम मुश्तबा बॉलिंग। शॉर्ट फर्स्ट क्लास करियर था बड़ा, बट बहुत इफेक्टिव था। ही टुक विकेट्स एट द एवरेज ऑफ 25। उसके बाद एम्पायरिंग की, कोचिंग की, और उस टाइम पे पाकिस्तान के लिए खेले जिस टाइम पे बहुत से फास्ट बॉलर थे पाकिस्तान के पास, वसीम अकरम, वकार यूनस, अताउर रहमान, इवन काफी लोग जो कि आकिब पाकिस्तान जावेद नहीं, आकिब जावेद, नदीम अफजल, बहुत लोग थे जिनको उस टाइम पे चांस भी नहीं मिला। तो तनवीर साहब, वेलकम टू क्रिक टॉक। थैंक यू वेरी मच फॉर मेकिंग द टाइम। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। तो बहुत खुशी हुई आपको मतलब शो में इंक्लूड करके। बस एक अफसोस है कि काश कल पाकिस्तान मैच जीत चुका होता तो आज थोड़ी ज्यादा खुशी होती है, और आज हम ज्यादा जैसे कहते हैं अच्छे एटमॉस्फेयर में बात करते हैं। लेकिन आपकी क्या राय है, कल क्या 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 गलतियां हुई? वैसे तो सारी गलतियां हुई हैं, लेकिन आपके जहन में क्या ऐसी चीजें हैं जो कि पाकिस्तान ने गलत की? देखे पाकिस्तान की गलती, देखे शुरू में देखे आपके दोनों बैट्समैन जल्दी आउट हो गए, ठीक है। उसके बाद जब आप रिजवान और ये दोनों खेल रहे थे तो उसमें मुझे एक चीज़ जो लगी है कि रिजवान बहुत ही डॉट बॉल खेल रहा था, जिसकी वजह से जो क्या नाम है अपना बाबर हाँ आजम, जो बाबर आजम, एक किसी शॉट खेल के आउट हुआ, वो इसीलिए आउट हुआ कि वो रन के पीछे जा रहा था। तो कल की जो बैटिंग जो थी ना, क्योंकि आप जब अच्छी बॉलिंग लगी हो ना, मज़ा तभी आता है कि आपको सिंगल निकालना आना चाहिए। तो रिजवान का कल सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह था कि वो सिंगल निकाल नहीं रहा था, जिसकी वजह से बाबर आजम पे भी प्रेशर आ गया, ठीक है। तो ये एक मेन वजह थी जिसकी वजह से, आप एक चीज़ देखिए कि 156 for 2 in 31 overs, ठीक है, कि जब उस वक्त ये लग रहा था कि पाकिस्तान 300 की तरफ पार करेगा, लेकिन सडनली ये 2-3 ओवर में पूरी क्रिकेट ही चेंज हो गई, सारा सीनियर ही चेंज हो गया। बिल्कुल। और बल्कि वो हार्दिक पांड्या ने कहा भी है कल के, बाबर रिजवान ने काफी टिमिड बैटिंग की है जिसकी वजह से हमें लगा था कि कभी भी हम गेम में आ सकते मेरे फेवरेट हैं। अल्फाज हैं। और मुझे ऐसा भी लगा था, चले वो तो कहेंगे अब इंडियन टीम तो कुछ भी कहेगी, पर जब ये कुलदीप को भी खेल रहे थे, बड़ी सीधी सीधी बॉल थी जिसको ये लोग बिल्कुल स्टॉप कर रहे थे, उसको निकल के स्ट्रेट कोई भी बंदा एक, क्योंकि बॉल इतनी टर्न कर नहीं रही थी, तो आई थिंक इन्होंने काफी उसको रिस्पेक्ट दी है। जो कि ऑब्वियसली बैक इन द एंड कॉमेंटेटर्स भी कल कह रहे थे कि यार बॉलर का अपना इमेज बन जाता है, उसकी वजह से फिर जाना बैट्समैन उसको वैसे ज्यादा रिस्पेक्ट देता है, जो कि नॉर्मली आप जो है उनको निकल निकल के बार मारें, तो थोड़ा सा एग्रेसिव होना चाहिए था। लेकिन अब क्या होगा इसका कॉन्सिक्वेंसेज, जो मैं आपसे क्वेश्चन ये पूछना चाहता हूँ कि हम हमेशा ये कहते हैं कि पूरी बैटिंग बाबर के अगेंस्ट रिवॉल्व करती है, ठीक है, और अब क्या होगा इस मैच के बाद? अब तो पक्का यकीन हो गया बाबर को कि मैं आउट हो गया तो पूरी टीम 10 रन पे आउट हो जाएगी, तो अगले मैचेस में ये लोग क्या करेंगे? नहीं, अगले मैचेस में मैं तो एक चीज़ कहता हूँ कि पॉजिटिव खेलना चाहिए, कुछ तब्दीलियाँ तो होनी चाहिए आपकी टीम में, ठीक है। क्योंकि तो जैसे आपने इसमें क्या नाम है फखर जमान को बाहर बिठाया, ठीक है, नो हाँ डाउट उसकी क्या नाम है नहीं चल रही थी, बैटिंग नहीं चल रही थी, लेकिन उसको चांस देना चाहिए था। वो आपका एक वाहक प्लेयर है, एक्स प्लेयर है, एक्स फैक्टर है, कि उसको किसी टाइम को भी अकेला सिंगल हैंडेड मैच जिता सकता। तो मेरे हिसाब से उसको खिलाना चाहिए अगले मैचों में। और आप शादाब की, शादाब पिछले 1.5 साल से कोई परफॉर्मेंस नहीं कर रहा, और जहाँ पे जो बातें मैं सुन रहा हूँ डिफरेंट चैनल्स पे, डिफरेंट जगह पे, कि यारी दोस्ती बहुत निभाई जाती है, हाँ आपको अपनी यारी दोस्ती, ये पाकिस्तान की टीम है, कोई हाँ मोहल्ले की टीम नहीं है, कि यार बिल्कुल अपने यार दोस्त आप खिला लो, ठीक है। आप पाकिस्तान को बिल्कुल आपने जताना है तो सही आपको पाकिस्तान के लिए सोचना चाहिए, यार ना कि यारी दोस्ती के लिए सोचना चाहिए। इसके अलावा देख लो,
स्पिनर्स में आपके पास इब्रार, उसको आपने जर में लेके, उसके बाद आपके पास था अहमद जमान, वसीम, उसको अच्छा आप इमाल काउंट वसीम, बिल्कुल। ही नहीं करते वनडे में, उसको T20 में काउंट करते, क्योंकि उसको भी आप वनडे क्रिकेट खिला ही नहीं रहे। जब आप खिलाओगे तो वो परफॉर्म करेगा ना, बिल्कुल जब तक आप उसको खिलाओगे नहीं, अब जब वो खेलेगा नहीं तो आप कैसे उसको कहोगे कि वो लास्ट 2 साल से वनडे क्रिकेट नहीं खेला। हाँ लास्ट 2 साल तो कितने क्रिकेटर है जो वनडे क्रिकेट नहीं खेला? बिल्कुल, हसन अली कितने क्रिकेट खेला वनडे, आप बता कुछ भी दीजिए। नहीं, कुछ भी नहीं खेला हुआ था वैसे उठा के उसको ले। जिस तरह आपने कहा ना, मतलब शरी को तो लग जी रहा है कि मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी कहने को, लेकिन यारी 11 पे हमने बड़ी दफा बात की है, ये है दोस्त, दोस्ती 11 है बेसिकली, ये तो, ये पाकिस्तान की टीम तो है ही नहीं। नहीं नहीं वलीद, आई वुड टेंड टू डिसएग्री एक्चुअली। इट्स एन ऑनर टू शेयर द स्क्रीन विद सच अ बिग भाई प्लेयर। मैं मेरी कोई बात नहीं है कि मैं उनके सामने कुछ बोल सकूं। बहरहाल दोस्ती 11 होती तो फिर वो कादिर के बेटे को भी, उस्मान कादिर को भी लेकर हाँ आता टीम। हाँ वो भी कोशिश तो दोस्त की है। थी, कोशिश तो की थी उसको रखने की। वो भी कोशिश दोस्त है। अच्छा चले ठीक है, पर टू एन एक्सटेंट ये सही कह रहे हैं तनवीर भाई। बट नहीं, मेरा कादर के जितना बेटे की कहने ज्यादा का पॉइंट दोस्ती ये, उधर हाँ है, अकमल ब्रादरान के साथ है। बात तो सुनने, मेरा कहने का पॉइंट सिर्फ ये कि इनकी इंटेंट ही नहीं थी। जब ये दोनों खेल भी रहे थे, दोनों को एक एक एलबी के चांस मिल गए हुए थे, दे वर नॉट कॉन्फिडेंट इनफ एक्चुअली। दे वर टू ओवरवेल्म विद द क्राउड प्रेशर, एवरीथिंग, दे कुडंट हैंडल। हाँ उनकी कोई स्ट्रेटेजी नहीं थी। पहले जब ये गए हैं ग्राउंड में, ये हारे हुए गए थे कि हमने इनके साथ कोई फाइट ही कर ली, ये बड़ी बात होगी। और उससे भी एक स्टेप पीछे ले लें, इन्होंने कोई टीम ही वो सिलेक्ट नहीं की जो जीत सके, कोई मैच विनर ही नहीं इन दोनों के अलावा। तो टीम में कोई ना इनका प्लान ए है, ना प्लान बी है, ना कुछ आगे कर सकते हैं। यस हमारी टीम है, हम सपोर्ट करते रहेंगे, सारी उम्र करते रहेंगे। बहरहाल दे हैव जीरो पोटेंशियल इन माय ओपिनियन। लेकिन बाबर को, ठीक बाबर शुड टेक नोट कि एक पाकिस्तान का इतना स्टॉन सपोर्टर, मैं जीशान को बहुत पहले से मैं जानता हूँ, जीशान ने कभी पाकिस्तान तो के टीम के बारे में नेगेटिव बात नहीं की, मुझे भी हमेशा कहा कि पॉजिटिव रहा करो। हाँ बाबर शुड टेक नोट कि इस लेवल पे पाकिस्तानी क्रिकेट को लाके खड़ा कर दिया है बाबर ने, मिकी आर्थर ने, तो जो भी यार, इन्वॉल्व है। अच्छा, एक और सॉरी बात मुझे बाबर, आज, बाबर को आप इल्जाम नहीं दे सकते सारे, नहीं नहीं आप दे मुझे सकते। पता, आपके ही तो तनकीद का महवर ही बाबर है। बट चले चले, तनवीर भाई से, तनवीर भाई से कल पूछते उसने हैं। आपका मुंह कम से कम बंद किया, 50 मार के, जो उसकी पहली 50 थी अगेंस्ट इंडिया। ठीक पर्सनल माइलस्टोन है हो गया तो आउट हो गया। खैर तनवीर भाई से बात यार, करते हैं, तनवीर भाई से पूछते जी हैं, रवि भाई आप अपने टाइम पे यू आर वन ऑफ द फास्टेस्ट बॉलर्स इन द पाकिस्तानी डोमेस्टिक सर्किट, जहाँ तक मुझे याद है या सुना है, यू यूज्ड टू हिट हाई 140s, मैं, हमें आपने शायद 150 भी टच की हुई है, डोमेस्टिक में या कितनी इंटरनेशनल में, सॉरी फास्टेस्ट, सॉरी आपकी, 150 वन कितनी? फिफ्टी फोर पॉइंट सेवन 154.7। ओके, तो और मैं, हमें ये जो इंग्लैंड वाला मैच था, इसमें भी जो मैं उस दिन वीडियो देख रहा था, नील फ्रे ब्रदर को आपने एक यॉर्कर पे आउट किया था, क्विक यॉर्कर पे। तो शाहीन के बारे में मैं पूछना चाहूंगा, शाहीन जब व्हेन ही स्टार्टेड, और जब लास्ट ईयर भी इंजरी के बाद वापस आया है, ही हैड स्पीड वापस 140 से ऊपर चली गई हुई थी और जी बॉल स्विंग भी हो रही थी, तभी भाई अब नजर ही नहीं आता, ना स्विंग नजर आती है, और उसकी पेस भी कोई अर्ली 130s में है, उसकी तो 140 ऊपर बॉल नहीं जाती। तो क्या क्या इशू है शाहीन के साथ? आप बीइंग अ फास्ट बॉलर बेहतर कमेंट कर सकते हैं। देखिए, उसका एक इशू है कि उसका जब बॉलिंग, नॉन बॉलिंग आर्म है ना, वो बहुत जल्दी गिर जाता है। जब नॉन बॉलिंग आर्म आपका जल्दी गिर जाएगा तो आपकी स्पीड, क्योंकि क्या होता है कि जो आपका नॉन बॉलिंग आर्म है यही आपको डायरेक्शन देता है और इसी से आपकी स्पीड बढ़ती है। ठीक है, आप एक छोटी सी एग्जाम्पल ले लें, आप साइकिल चलाते हैं, एक पैडल मारते हैं तो दूसरा पैडल साथ आता है। उसका इस तरह का जो प्रॉब्लम चल रहा है कि वो दोनों आर्म जो है ना, वो उस तरह चल नहीं रहे। वो जो नॉन बॉलिंग आर्म है जल्दी गिर जाता है, जिसकी वजह से आपका जो बॉलिंग आर्म है वो उतना तेज नहीं आ रहा, वो स्लो आ रहा है, जिसकी वजह से आपको बॉलिंग अफेक्ट हो रहा है, उसकी बॉल के, उसकी स्पीड में अफेक्ट हो रहा है। तनवी भाई, तो कोचेस अच्छा, क्या कह रहे हैं, इतना बड़ा कोचेस का हमला लेके गए हैं, मतलब 10-15 कोचेस नहीं है पाकिस्तान के पास? फील्डिंग का अलग है, लेफ्ट आर्म से बॉलिंग का अलग है, राइट आर्म से बॉलिंग का अलग है, सोने का अलग कोच है, तो क्या करवा रहे हैं कोचेस? सर असल में प्रॉब्लम क्या है कि सबके लगे हुए पैसे वहां पे। ठीक है, इनको वो बंदा नहीं चाहिए, मैं क्रिकेट बोर्ड की बात कर रहा हूँ, कि इनको वो बंदा नहीं चाहिए कि जो क्रिकेट को सीरियस होकर सिखाए, फास्ट बॉलर। मैं कोई बहुत बड़ा बॉल नहीं बोलता, मैं एक ग्रिप बताता हूँ, ठीक है, बॉलिंग की। अगर बॉल सीम ना होना शुरू हो जाए तो आप मुझे आपके पकड़ लें। ठीक है, क्योंकि वहां पे बॉलर जो हैं, जितने भी आपने कोचिज रखे हुए ना, सबकी एक दिहाड़ियाँ लगी हुई है। आप एक छोटी सी एग्जाम्पल ले लें कि ये टूर्नामेंट से पहले, एशिया कप से पहले क्या प्रॉब्लम चल रही थी? सेंट्रल काउंटर की प्रॉब्लम चल रही थी। हाँ
और आपने 3 3 साल के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिए लोगों को, आपको मालूम है कि 3 साल तक कोई फिट रहेगा या नहीं रहेगा। इस टाइम अगर बिल्कुल बॉलिंग कोच रखना चाहिए ना, तो मेरे हिसाब से शोएब अख्तर को पाकिस्तान के साथ टीम के साथ कोच रखना चाहिए, क्योंकि ये तो उसको लेंगे नहीं। शोएब अख्तर ने तो वही जो क्लियर भी कर आपके दिया आपके ना, जो पीछे बैठा है उसको, पीछे बैठे में उनको भी पसंद नहीं है शोएब अख्तर। नहीं लेकिन शोएब अख्तर ने तो क्लियर कर दिया ना कल के मैच के बाद, वो तो टीवी पे आके गालियां दे गया कि जी बोर्ड भी फारे गया, कोचेस भी फारे गए, टीम भी फारे गया, कैप्टन भी फारे। मुझे थोड़ा सा शिकायत है इससे, क्योंकि मैं कल से टीवी देख रहा था, जितने भी हमारे एक्स प्लेयर्स हैं सबको किसी तरह से ना है कि हमें पीसीबी के अंदर नौकरी मिल जाए, हम लोग बेस्ट हैं। खुद किया गया तुम लोगों ने, वो कामरान अकमल को देख लो, चाहे आप वहां पे शोएब मलिक को देख लें, चाहे आप मोइन खान को देख लें, वसीम अब्राहिम को ये कोई वजह तो नहीं है। अगर टीम ने अच्छी परफॉर्मेंस दी तो आप दूसरों यार, को अच्छी कभी मतलब परफॉर्मेंस नहीं दी भाई, इसका जो ये मतलब 11 लोग थोड़ी हैं ना। ना, पाकिस्तान कभी इतने बुरी तरीके से वर्ल्ड कप में इंडिया से नहीं हारा, ठीक यार देखो है। इंडिया से हारना, इंडिया देखो अगर तुम ये डिबेट करते हो, अभी भी वी हैव 176 गेम्स, दे हैव गॉट 156 गेम्स, देयर इज अ सचिन लॉट जो ऑफ तुम कह डिफरेंस रहे हो ना बिटवीन। बुरा, उन्हीं ने अरे ही अचीवमेंट, उन्हीं की अचीवमेंट भाई है। जब हम लोग करते थे तो तब वो लोग भी नहीं कर रहे थे ना, तो टाइम विल चेंज राइट, इट्स अ साइकिल, इट्स ओके जितनी यार। टीमें भी है वर्ल्ड की, वो वर्ल्ड कप के लिए सोचते हैं। आप 92 के बाद देख लो, जब भी आपकी टीम वर्ल्ड कप का 6 महीने साल रह गया, वो आपकी टीम में सब कुछ रद्दोबदल चेंज। होना शुरू हो जाता है, ठीक है। 96 में देखो, जावेद मियां दाद के लिए आपके बासित अली और राशिद लतीफ दोनों रिटायरमेंट दे दी, ठीक है। राशिद लतीफ तो बाद में आ गया, लेकिन बासित अली जो आपके पास इतना बड़ा नाम था, उसको एक चांस दिया गया, लेकिन उसको कंटिन्यू भी नहीं किया गया। आप किसी के लिए अगर आप रिटायरमेंट दे देते हो, लेकिन ये मैं एक बात कहता हूँ, ये बासित अली ने गलत किया था। मियाँ दाद हमारे लेजेंड है, लेकिन वो उस टाइम उनकी टीम में जगह नहीं बनती थी, सही बात लेकिन है। हाँ एक लेजेंड के हिसाब से आपने उनको खिलाया, ठीक है। लेकिन आप 92 के बाद अब तक आप 2023 में आप उठा के हिस्ट्री देख लो, कि जब भी वर्ल्ड कप आता है वो इतना अगाड़ पे छाड़ होता है, इतना अगाड़ पे छाड़ होता है कि आप खुद परेशान हो जाते हो कि यार वर्ल्ड कप में टीम क्या बनेगी। आप वर्ल्ड कप के लिए कोई भी नहीं सोचता, नहीं सोचता। वहां पे आके जो पिछले 2 साल से नहीं खेल रहा, या पिछले 2 साल तक जिनको नहीं खिलाया जा रहा, वो अच्छे क्रिकेटर है उनको नहीं खिलाया जा रहा, उनको पीछे कर दिया जाता है। जो पिछले 2 साल से खेल रहे हैं, परफॉर्मेंस नहीं भी है, लेकिन फिर भी उनको खिलाया चलो जाता आपने एक बड़ी है। अच्छी यही बात पे हमारी बात की थी, एंड आई लाइक योर पॉजिटिविटी कि अभी वक्त अच्छा है, कभी हमारा वक्त आएगा, बट हैविंग सेड दैट इंडियन क्रिकेट वहां पहुंच चुकी है बिल्कुल। जैसे वो कहते हैं चांद पे पहुंच गए, हम हाँ उसके करीब भी नहीं है। मैं बिल्कुल यही बात को कहने लगा था, आपने बड़ी अच्छी, okay, मैं कह रहा हूँ कि उन्होंने बात की ना कि T20 वर्ल्ड कप का देखना पड़ेगा, मैं आपको ये गारंटी देता हूँ कि नो मैटर वेयर वी एंड अप इन दिस वर्ल्ड कप, पूरी टीम उड़ा देंगे ये लोग आफ्टर द वर्ल्ड कप। कैप्टन उधर, वाइस कैप्टन उधर, इमाद अंदर आ जाएगा, आमिर भी शायद वापस आ जाए, और T20 से पहले फिर वही बात हो रही होगी जो तमीर भाई ने की कि टीम क्या है, अच्छा बस जेब लड़के हैं इनको पकड़ लो, जिसकी चल रही है, जिसकी पर्ची चल गई उसको बिठा के T20 के लिए भेज देंगे। वो इंडिया गॉट लकी जब धोनी ने चार्ज लिया, उसने लकी पूरा उनका सिस्टम चेंज कर दिया। आई थिंक अब वो उस पे चले गए, उनको समझ आ गई कि जीतने से होता क्या है। सर, वो वो एक एक वो होता प्रोफेशनल ना कि हम, सेटअप है, उसको लकी ना कह रहे, वो एक प्रोफेशनल सेटअप है, वो यार प्रोफेशनल क्रिकेट पहले खेलते भी हैं। वैसे ही सेटअप था वलीद, उन्होंने नहीं, चेंज किया ना वो यार। प्रोफेशनल खेलते हैं क्रिकेट। हमारे तो मैंने कहा है ना, दोस्ती 11 जिसमें सर धोनी भाई उन्होंने खेलते 90 से प्रोफेशनल। पैसा लगाया है हाँ प्रॉपर अपना, आप देखिए उस जमाने में सुनते थे हम रिचर्ड हेडली की MRF एकेडमी बनाई, बिल्कुल, मैं ये कहने उनके तो लगा। एडवांस बॉलर नहीं होते थे, यूसुफ पठान टाइप और इरफान इरफान पठान पठान, टाइप इरफान लोग, पठान, सॉरी इरफान पठान टाइप लोग आए, मोहम्मद यूसुफ और इस तरह, मतलब बहुत उन्होंने मुझे, सॉरी क्रिकेट के बारे में ज्यादा पता नहीं, गलत इरफान नहीं पठान मेरा टाइप दहेज घटिया था, लोग आए, प्लीज उसके साथ वर्ड आपके जरूर फैन लगाया मैं करो। पहले माफी मांगता हूँ। हाँ, भारत उन्होंने बहुत इन्वेस्ट किया क्रिकेट में, और अपनी क्रिकेट को कहाँ लेके, सिंस 90s रिजल्ट्स आर एंड दे हैव केप्ट गोइंग डाउन। पॉलिटिक्स असाइड राइट, वो बड़ा की चीज है हमारे अंदर लेकिन तो। भाई आपसे एक और क्वेश्चन पूछूंगा कि मैं दूसरी एक और छोटी सी बता दूं, मेरे दोस्त हैं जो उनके एक्स चेयरमैन थे सिलेक्शन कमेटी के, चेतन शर्मा, उनकी भी मुलाकात करवाई थी उस दिन हमने, तन्वीर भाई की भी। वो कहते हैं कि हमारे पास पूरे स्टैट्स आते हैं कि आज जो उनका फास्ट बॉलर है ना, उसने कितने ओवर किए हैं, कितनी अच्छा एक्सरसाइज की है, क्या डाइट ली है, पूरे ऐप पे सब सिलेक्टर्स के पास, हम उसके अगले 15 साल में उसे करीब नहीं पहुंच सकते। नहीं, मैं मैं एक ये आप चीज गलत, आपको सॉरी और सॉरी इरफान भाई को मैंने बताऊं, आपको एक चीज करेक्ट नहीं, ये गलत कह रहे हैं। पाकिस्तान की भी रोज स्टैट्स आते हैं, कितने केक काटे हैं, कितनी बिरयानी खाई है, रोज आ रहा होता है, कैमरे पे आ रहा होता है वो भाई। तो रोटी है ना सॉरी उनका, वो खाबा प्रोग्राम है। नहीं, एक चीज तन्वी भाई, उसमें आपको आप, कट किया। एक चीज जो आप बोल रहे थे ना कि देखिए, इमरान खान ने एक टीम बनाई 92, सिस्टम एक अलग सिस्टम था कि वो सारा डोमिनेट खान साहब करते थे, ठीक है। लेकिन वो डोमिनेट करते थे, वो प्लेयरों को बनाते थे। आप कई लोगों की एग्जांपल उठा लो कि उन्होंने नीचे से उठा के उसको एक
इतना बड़ा क्रिकेटर बना दिया कि आप सोच भी नहीं सकते थे। नहीं, हर कोई इमरान खान नहीं होता। इस नहीं। टाइम बाबर आजम का क्या एक सिचुएशन है, हर कोई इमरान खान बनने की कोशिश करता है, लेकिन दुनिया में इमरान खान अल्लाह ताला ने एक ही पैदा किया है, ठीक बेशक है। हर इमरान बिल्कुल। खान नहीं होता, हर एक की नजर उस तरह की नहीं होती। अब सीन ऐसा है ना कि उनको ये है कि यार पाकिस्तान के लिए ना खेला तो हम बाहर जाके लीग्स खेल लेंगे, सारा साल तो लीग होती रहती है, पैसा उसमें ज्यादा है। आमिर को देख ले, आमिर की प्राइम एग्जांपल है, मतलब वो तो अभी उसको पासपोर्ट मिल गया इस साल ब्रिटिश, आप देख ले, मैं लिख के देता हूँ अगले साल वो आईपीएल भी खेलेगा जाके, मैं उसको चेक कर रहा क्यों। था, सॉरी शेरी, मैं चेक कर रहा था तनवीर भाई की बात पे, शदाब खान ने टोटल 17 फर्स्ट क्लास मैच खेले अपनी जिंदगी में, 17, जिसमें से 6 हाँ टेस्ट मैच हैं, और वो टेस्ट मैच निकाल दें तो अच्छा, जिंदगी में 11 फर्स्ट क्लास मैच खेले उसने। मिली आज बड़ी अच्छी बात, मेरा एक दोस्त था उसकी मुझे कॉल आई तो क्रिकेट के बारे में ऑब्वियसली डिस्कस कर रहे थे, उसने कहा कि शादाब का चांस जो है ना बाबर से भी कम है निकलना, बाबर पहले जाएगा फिर शादाब जाएगा, ये क्या तू बात कर रहा है, कहता है कि सकलैन मुश्ताक और इंजी जो है ना वो बहुत जिगरी दोस्त है, तो शादाब कैसे जा सकता है टीम से जब तक वो दोनों बैठे हुए हैं, बिल्कुल सही बात तो वो मैंने कहा हाँ ये बड़ा तुमने डीप डीप पॉइंट निकाला, ऑब्वियसली अपने दामाद को कौन निकालेगा टीम से बाहर। होते हैं। अच्छा, तो आपसे फाइनल प्रेडिक्शन, एक तो सेमीफाइनल की बता दें और वर्ल्ड कप कौन जीत रहा है ये भी बता दें। देखिए वर्ल्ड कप, ये प्रेडिक्शन तो मैं नहीं बता सकता क्योंकि कल मैच शुरू में बहुत सी चीजें बताई थी, वो सब रॉन्ग हो गई, ठीक चले कोई बात नहीं, है। फाइनल सेमीफाइनलिस्ट का बता दें, चार बता दें सेमीफाइनलिस्ट। में चार, तो एक तो इंडिया है, ठीक है, दूसरा साउथ अफ्रीका, ठीक है, तीसरा न्यूजीलैंड, और चौथा ऐसे पाकिस्तानी, तो मैं चाहूंगा कि पाकिस्तान हो। बिल्कुल, मेरी भी यही प्रेडिक्शन है तनवीर भाई, एग्जैक्टली यही चार टीम है मेरी यार भी। खुदा का नाम है, ये वो बंदा है जो कह रहा था इंडिया क्वालिफाई नहीं करेगा सेमीफाइनल यार में। मैंने कल के बैच के बाद, मैं डिसएग्री करूंगा, इंग्लैंड भी तो आएगा ना, यार और इंग्लैंड नहीं मुझे लग रहा, ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड भी आ आ जाएगा, सकती है यार, ऑस्ट्रेलिया भी आ सकती है, मतलब पाकिस्तान कहाँ से आ गया। विल सपोर्ट आवर नेबर्स, गो इंडिया गो। नहीं मैं यार। पाकिस्तान इसलिए आया कि हम पाकिस्तान का सपोर्ट करते हैं यार, बीइंग ए पाकिस्तानी कुछ नहीं वो भी तो है, वो तो मैं करते, मानता हूँ, लेकिन चांसेस नहीं लग रहे ना। चांसेस तो उनके बहुत मुश्किल है, बहुत जी मुश्किल चांसेस है। थैंक यू सो मच तनवीर भाई, बहुत थैंक यू सर, बहुत थैंक शुक्रिया, यू बहुत वेरी मजा मच आया फॉर आपसे कमिंग, गपशप करके, तो थैंक यू सो थैंक यू मच वेरी मच भाई, लिंकी अल्लाह करे आपकी बातें भाई, सच हो और पाकिस्तान थैंक सेमीफाइनल में पहुंचे, और फिर हम आपसे दोबारा गपशप करें कि आपकी प्रिडिक्शन बिल्कुल सही हो गई और पाकिस्तान सेमीफाइनल में आ गया, फिर थोड़ा मजा आएगा गपशप का। थैंक यू वेरी शुक्रिया मच बहुत, सर, थैंक यू थैंक तनवीर भाई, थैंक यू। दैट्स इट फ्रॉम यू। टिकटॉक, तनवीर भाई साइनिंग ऑफ, और अहमद ईशान वॉज विद हिम, और इट्स शेरी एंड वरीद साइनिंग ऑफ एज वेल। बाय बाय गाइस।